नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ, पूजा के दौरान भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। दोस्तों, पूजा का मतलब है भगवान की आराधना। कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम पूजा कर ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग विशेष कार्य की सफलता, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से मन शांत हो जाता है, लेकिन धर्म के जानकारों की माने तो पूजा के दौरान कुछ नियमों को मानना बेहद जरूरी है। कुछ चीजें जैसे पूजा स्थल, पूजन के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और कुछ नियम कायदों के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही पूजा से जुड़े नियमों के बारे में, जिनका पूजा के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी पंडित से पूजा करवाते हैं तो उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, इसके बिना पूजा सफल नहीं मानी जाती है। किसी भी प्रकार की पूजा के दौरान फल जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। पूजा से पहले इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को जो चीजें अर्पित कर रहे हैं वो धुली हुई और साफ सुथरी होनी चाहिए। पूजा के दौरान सूर्य देव को शंख में रखा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जल को किसी प्लास्टिक की बोतल में और लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को पवित्र धातु के बर्तन जैसे तांबे के बर्तन में ही रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए कभी भी तुलसी के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी, द्वादशी और शाम को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ ही कमल का फूल और तुलसी कभी भी बासी नहीं होती, इन्हें तोड़ने के 5 दिन तक प्रयोग में लाया जा सकता है। शास्त्रों में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु जी की रोज पूजा बेहद अहम मानी गई है। रोज इनका पूजा और स्मरण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि दुर्गा गणेश जी को अर्पित की जाती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि माँ दुर्गा को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा के दौरान थाली में चावल जरूर रखे जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में ऐसे चावलों का इस्तेमाल ना करें जो टूटे हुए हों। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टूटी चीज का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि भूल कर भी कौन सी 5 गलतियां पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।